बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन, कारवा मिनी। देवऋषि नारद, गंग 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 गंग, आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों, क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। वज्रांग पुत्र तारक, इतनी कठोर तपस्या? हाँ, इसकी सूचना तो देवराज इंद्र को देनी ही होगी। प्रणाम देवराज। कहो देव गुप्तचर। वज्रांग पुत्र तारक अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है देवराज। तुम उसकी पल पल की सूचना हमें पहुंचाते रहो देव गुप्तचर। जो आज्ञा देवराज। ये हमारे प्रिय भाई वज्रांग का पुत्र तारक ही है ना? आप इतने अधिक उद्विग्न क्यों है देवराज? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है। आपको इसका पूर्ण विश्वास कैसे है पवनदेव कि ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है? इसकी सूचना तो आपको देव गुप्तचर ने भी दी थी। देवराज, आप ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको देव गुप्तचर के साथ साथ मेरे कथन पर भी विश्वास नहीं? सावधान पवनदेव, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से अभद्रता आपके लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। आपसे जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दें, और ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता देवराज। अग्निदेव, क्या आप सब मिलकर देवराज इंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या आपको देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े होने की मर्यादा का पाठ पढ़ाने पुनः देव गुरु बृहस्पति की पाठशाला में भेजना पड़ेगा? जिस विषय को लेकर आप इतने उत्तेजित व उद्विग्न हो रहे हैं, उस विषय पर चिंता करना भी समय को व्यर्थ करना है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपके प्रिय भ्राता वज्रांग के समान ही उसका पुत्र तारकासुर भी स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उपस्थित नहीं करेगा। मैं जाने क्यों इससे मुझे भय हो रहा है। आप निर्भय होकर तारकासुर पर भी उसी औषधि का प्रयोग करें जिससे वज्रांग स्वर्ग का मित्र बन गया था। आप नहीं जानते वरुण देव, हमारी विमाता दिति हमारे प्रति भयंकर द्वेष रखती है। निश्चित ही तारक उन्हीं की प्रेरणा से यह तप कर रहा होगा। हमें इसे सावधान रहना होगा। क्यों ना हम उसकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करें? विघ्न नहीं वरुण देव, हमें तारकासुर की तपस्या को खंडित करना होगा। ऐसा भयंकर विध्वंस करना होगा जिसे भविष्य में हमारी विमाता दिति किसी भी असुर दैत्य को प्रोत्साहित करने का तो साहस न। यही उचित होगा देवराज। हम अपनी देविक शक्तियों से तारकासुर को तपस्या छोड़कर भागने के लिए विवश कर देंगे। इससे कश्यप पत्नी दिति का स्वर्ग पाने का दिवा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। हमें अविलंब दुष्ट तारकासुर की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दीजिए देवराज। आज्ञा नहीं, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन ले। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें, इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वास्थ्य अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, गंग 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 गंग, आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों, क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। क्यों शुभ नहीं होगा देवर्षि? त्रिदेव तथा महाशक्तियां सदैव दुष्टों का पक्ष क्यों लेती हैं? नारायण नारायण, अति उत्तम, सत्य कहा। इसी कारण तो आज आप देवराज हैं।
देवऋषि नारद। ये सत्य है देवराज, ये तो सत्य है। आपकी दुष्टता आपको स्वर्गाधिपति के सम्मानित पद पर एक क्षण भी न रहने देती। ये तो आपके माता पिता के सत्कर्मों का परिणाम है कि आप इस स्वर्गाधिपति के पद पर सुशोभित हैं। देवर्षि, हम ब्रह्मदेव का संदेश मानने को बाध्य नहीं है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, जब आप स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। परमपिता ब्रह्मदेव का निर्धारित संदेश पहुंचाने का जो मेरा कार्य था वो पूर्ण हुआ। जय श्री महागणेश। तारकासुर की तपस्या खंडित करने का विचार त्याग देना ही उचित होगा। क्यों ना हम सब ब्रह्मलोक चलकर परमपिता से निवेदन करें कि वे तारकासुर को ऐसा वरदान ही ना दें जिससे देवताओं और स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उत्पन्न हो। आपने उचित परामर्श दिया है, ब्रह्मलोक चलें। देवराज इंद्र, यदि देवताओं के स्थान पर आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में जाकर मर्यादा और अनुशासन की शिक्षा पुनः ग्रहण करें तो अधिक उचित होगा। परमपिता, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। आप अपने आदरणीय देवऋषि पूज्य देवगुरु के अपमान का अवसर कदापि नहीं चूकते। इन पर संदेह करना आपका स्वभाव बन गया है। किंतु परमपिता, क्षमा मांगने के स्थान पर अपने अपराधों को ढकने का प्रयास ना करें आप। क्षमा परमपिता, क्षमा। देवगणों, हमें आपके यहां आने का कारण भलीभांति ज्ञात है, किंतु नारद ने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। तारकासुर की तपस्या को भंग करने का प्रयास ना करें आप। ऐसी स्थिति में तो तारकासुर की तपस्या पूर्ण हो जाएगी परमपिता। तो उसमें अनुचित क्या है? जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठा और दृढ़ता का पालन करेगा उसका हर कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। किंतु परमपिता, तारकासुर वरदान पाकर अपनी पितामही ही द्वितीय की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। हम देवताओं पर एक कृपा करें परमपिता, आप तारकासुर को वरदान देने ही ना चाहे। आप सब हमारे कर्तव्यों की नई परिभाषा रचने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे मन से आराधना करने वाले को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा परमपिता? स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आप सब भी आराधना और तपस्या को माध्यम बनाकर अपनी दिव्य शक्तियों का विकास करें